श्री खाटू श्याम बाबा की असीम कृपा का सुखद अनुभव एक बार अवश्य सुने। श्री खाटू श्याम बाबा की असीम कृपा। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं एवं श्याम प्रेमियों को श्री खाटू श्याम बाबा की असीम कृपा और सुखद अनुभव के बारे में बताने जा रहा हूँ। बाबा श्याम मुझे शक्ति और उत्तम वाणी प्रदान करने की कृपा करें। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री खाटू श्याम बाबा की असीम कृपा को सुनकर आपकी आस्था और विश्वास में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। वास्तव में ये संपूर्ण घटनाक्रम एवं कहानी मेरे निकटतम परिचित कमल कुमार जी की है, जो कि मूलतः लखनऊ शहर के निवासी हैं तथा एक सामान्य बिजनेसमैन है। उन्होंने बस खाटू श्याम बाबा का नाम ही सुन रखा था, लेकिन कभी किसी श्याम मंदिर में प्रवेश नहीं किया था और न ही कभी श्री श्याम बाबा की कोई मूर्ति देखी थी। एक दिन बातों बातों में उनके एक मित्र ने खाटू श्याम बाबा की असीम कृपा और चमत्कार के बारे में उनसे चर्चा की और जानकारी दी कि राजस्थान के मुख्य मंदिर खाटू धाम के अतिरिक्त अपने लखनऊ में भी गोमती नदी के किनारे श्री श्याम बाबा का बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। कमल जी ने लखनऊ के श्री श्याम मंदिर में प्रथम बार श्री श्याम बाबा के दर्शन किए और राजस्थान के मुख्य मंदिर खाटू धाम जाने की मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की। करुणा में और दयावान श्री श्याम बाबा ने कमल जी की मनोकामना शीघ्र ही पूरी कर दी। फलस्वरूप बाबा श्याम की कृपा से दिनांक 24 अक्टूबर 2022 की सुबह बड़ी दीपावली को कमल जी लखनऊ से बस द्वारा सफर करते हुए राजस्थान के खाटू धाम स्थित बस स्टैंड पर सकुशल पहुंच गए। चारों ओर सन्नाटा देख इसका कारण पूछा तो बस स्टैंड पर कैंटीन वाले ने बताया कि आप गलत समय पर खाटू धाम आ गए हैं। दीपावली के अवसर पर ग्रहण के कारण खाटू श्याम बाबा का मंदिर 3 दिनों तक बंद रहेगा। ये जानकारी पाकर कमल जी को जोर का झटका लगा और मन में घोर निराशा छा गई। अचानक कमल जी के मन में विचार आया कि ठीक है, जैसी मेरे श्याम बाबा की इच्छा, मंदिर बंद है तो क्या हुआ, मंदिर की चौखट पर ही माथा टेक लेता हूँ। शीघ्रता पूर्वक स्नान एवं नाश्ता करने के पश्चात वे खाटू श्याम मंदिर पहुंच गए वहां की चौखट पर माथा टेकने। उसी दौरान मंदिर के प्रांगण में बैठे 8-10 पुलिस कर्मियों ने उन्हें दूर से ही चेताया, यहाँ कहाँ चले आ रहे हैं, आज बाबा श्याम का मंदिर बंद है। कमल जी ने विनम्रता पूर्वक उन्हें उत्तर दिया कि मुझे ज्ञात नहीं था, इतनी दूर पहली बार लखनऊ से आया हूँ तो सोचा कि दर्शन न सही, चलो बाबा श्याम मंदिर की चौखट स्पर्श करके अपनी उपस्थिति तो लगा ही दूर। बाबा श्याम अंतर्यामी है, देख ही लेंगे। अपने भक्तों एवं प्रेमियों की सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले श्री श्याम बाबा की असीम कृपा और चमत्कार से अचानक न जाने क्या हुआ कि एक वरिष्ठ पुलिस कर्मी महोदय ने बहुत ही विनम्र होकर कमल जी से कहा कि वैसे तो श्री श्याम मंदिर जनता दर्शन के लिए बंद है, लेकिन जब आप आ ही गए हैं तो खाटू श्याम बाबा के दर्शन अवश्य होंगे, आप ठीक 5 बजे यहाँ आ जाएं। मंदिर के पुजारी जी दीपावली की पूजा और आरती के लिए मंदिर खोलेंगे, आप भी पूजा में शामिल होकर बाबा श्याम जी के दर्शन कर लेना। कमल जी का हृदय श्रद्धा और प्रेम से भर गया, बार बार श्री श्याम को कोटि कोटि धन्यवाद कहने लगे। वे ठीक 5 बजे खाटू धाम के श्री श्याम मंदिर पहुंच गए। कमल जी की तो जैसे लॉटरी ही निकल पड़ी थी। मंत्रमुग्ध एवं भाव विभोर होकर
जय श्री श्याम बोलते हुए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सीढ़ियों के अंत में सर्वेश्वर बाबा श्याम की अनुपम अति सुंदर मनमोहक आकर्षक एवं अद्भुत श्रृंगार से परिपूर्ण छवि को देखकर कमल जी यंत्रवत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बाबा श्याम की आंखों में न जाने कैसा जादू और नशा है, किन कमल जी बस एकटक निहारे जा रहे थे। दोनों आंखें अश्रुओं से भीग गईं। कुछ बोलने अथवा कहने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। दिल और दिमाग दोनों एकदम शून्य हो गए थे। अचानक पुजारी जी ने बाबा श्याम की प्रेरणा एवं कृपा से श्री श्याम बाबा के चरणों से स्पर्श कराकर मोर छड़ी तथा गुलाब की लड़ी उनके हाथों में रख दी। अभी कमल जी श्याम बाबा का करिश्मा देख समझ ही रहे थे कि पुजारी जी ने बाबा श्याम का झंडा निशान भी उन्हें भेंट कर दिया। पुजारी जी ने कमल जी के द्वारा भेंट की गई फूलों की माला बाबा श्याम को अर्पित की और उनके द्वारा लाया गया प्रसाद खील खिलौने एवं मेवा मिठाई आदि से बाबा श्याम को भोग लगाया। अपने भक्तों एवं प्रेमियों की सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले श्री श्याम बाबा ने एक और उपकार कमल जी पर कर दिया। श्री श्याम बाबा की प्रेरणा से अचानक पुजारी जी ने कमल जी के द्वारा भेंट की गई फूलों की माला बाबा श्याम जी की मूर्ति के ऊपर से उतार कर कमल जी को ही पहना दी और दोनों हाथों में प्रसाद रखते हुए बोले कि आप बहुत किस्मत वाले हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर बाबा श्याम जी ने अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद के सभी प्रतीक चिन्ह आपको बिना मांगे ही प्रदान कर दिए हैं। सामान्य दिनों में अत्यधिक भीड़ के कारण 5 मिनट भी बहुत मुश्किल से बाबा श्याम के दर्शन मिल पाते हैं, लेकिन आपको आज दीपावली के शुभ मुहूर्त में लगभग 1 घंटे का समय खाटू श्याम मंदिर में बाबा श्याम जी के चरणों में बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निसंदेह शायद ही आपने ऐसा दुर्लभ एवं अद्भुत चमत्कार देखा अथवा सुना होगा। जबकि श्री खाटू श्याम बाबा ने प्रथम दर्शन में ही किसी व्यक्ति पर अपनी असीम कृपा एवं आशीर्वाद की ऐसी वर्षा की हो, अब जो असीम कृपा बाबा श्याम लखनऊ निवासियों पर करने वाले हैं, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनिए। कमल जी ने बहुत ही प्रेमपूर्ण भाव से बाबा श्याम को कोटि कोटि धन्यवाद किया और अनुरोध किया कि मेरे सर्वेश्वर मेरे श्याम आपसे बारंबार यही विनती है, यही प्रार्थना है कि बहुत से लोग अनेक समस्या एवं आर्थिक कारणों से आपके खाटू धाम आने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। आप उनका उद्धार एवं कल्याण करने के लिए लखनऊ शहर को भी अपना धाम बनाने को कृपा करें। बाबा श्याम की कृपा से वर्तमान समय में लखनऊ के गोमती तट पर स्थित श्याम मंदिर में लग रहा मेला तथा श्याम प्रेमियों की दिनों दिन बढ़ती संख्या इस बात का स्पष्ट प्रमाण है तथा ये स्वतः दर्शाती है कि श्री श्याम बाबा ने कमल जी के द्वारा अक्टूबर 2022 में की गई प्रार्थना एवं विनती का मान रखते हुए लखनऊ को अपना धाम बनाने की प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया है और यहां लखनऊ के निवासियों पर भी अपनी असीम कृपा एवं आशीर्वाद की वर्षा भी आरंभ कर दी है। श्री खाटू श्याम बाबा की असीम कृपा और सुखद अनुभव इस सत्य कहानी को सुनाने का कार्य गागर में सागर भरने जैसा मेरा दुर्लभ प्रयास है। अब मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कलियुग के भगवान श्री श्याम बाबा की असीम कृपा और आशीर्वाद को पाने
एवं जन कल्याण हेतु इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय श्री श्याम। झनकार नगरी लखनऊ, संपर्क करें 9936694966।